तो गाइस आज के इस वीडियो पे आप लोग जानने जा रहे हो हाथ वाली चारा मशीन के बारे में। वैसे मुझसे ज़्यादा आपको चारा मशीन के बारे में पता होगा क्योंकि आप लोग उसको डेली यूज़ करते हो। फिलहाल मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा और उसको दिखाऊंगा और कुछ ख़रीदते टाइम जो आप गलती करते हो वो बताऊँगा कि आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ है जिस पर आपको ख्याल रखना चाहिए जैसे कि आप अच्छा चारा मशीन खरीद सकते हो। तो एंड तक देखना वीडियो को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आपसे वीडियो डेली आने वाली है, लगभग 30 दिन तक आपको वीडियो डेली मिलेगी। कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉमिस नहीं है, लेकिन बस ये है कि अगर हो पाएगा तो डेली वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि 30 दिन तक वीडियो आपको मिलेगी तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिलेटेड। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये रखा हुआ है गोविंद का चारा मशीन और यहाँ पर मतलब इस दुकान पे, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ तो जान लो कि हमारे कुल टोटल 6 स्टोर हैं जिसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा है डीलक्स चारा मशीन, मतलब नाम है कंपनी का। तो इसके बारे में कभी मतलब इसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग गोविंद के बारे में जानते हैं, गोविंद में क्या खासियत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसका चारा, ये जो घोड़ा होता है उसको दिखाना चाहता हूँ कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और जो मुगले आजम भी आता है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा अगर आप लोग चारा मशीन के रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हो या खरीदते रहते हो, जो मुगले आजम है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। फिलहाल इस गोविंद की भी कोई ख़राब नहीं है, आपने भी इसका नाम सुना होगा। तो अगर आप इसके घोड़े को देखते हो तो जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी बनावट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखो मेन यही रहता है क्योंकि इसी के ऊपर ये मशीन खड़ा रखा जाता है और सारे कार्यक्रम इसके ऊपर ही किए जाते हैं। तो अगर इसका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप चारा मशीन का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो चारा मशीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो तो सबसे पहले हमारा घोड़ा ही होता है। तो आप कभी भी चारा मशीन लो अपने फ्यूचर में तो घोड़ा का ज़रूर ख्याल रखना, इसको देखना, ये जो बेस होता है इसको एक बार इसके ऊपर अच्छे से जांच कर लेना। तौला भी सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो इसकी क्वालिटी है वो हैवी में है कि हल्के में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसकी, ये है हमारा मूड़ी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमारा ककनी है, बेलन लगा हुआ है, चाल लगा हुआ है। और देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मुझसे अच्छा आपको ही पता होगा, तो जिसके बारे में अगर आप बात नहीं करते हैं मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप ये वाली मशीन लेते हो तो इसके साथ आपको क्या क्या सामान मिलता है। देखो जैसा कि आपको मैं पहले प्राइस बता देता हूँ, तो आज के टाइम पर जो चारा मशीन का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो गोविंद का ये वाला है ये इस टाइम 6,800 रुपये का है ये वाला चारा मशीन। ये वाला सस्ता है क्योंकि ये थोड़ा सा अभी नया माल आया है मार्केट में, इसीलिए। तो ये 6,800 का है और प्राइस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले जो इसका प्राइस था वो 5,500 या 6,000 तक था। तो लगभग बहुत ज़्यादा प्राइस इसका हो गया है, 6,800 रुपये हो गया है। बाकी कम से कम आपको 6,600-6,700 रुपये में मिल जाता है। लेकिन अगर चक्के की बात करें तो आप इसमें बड़ा चक्का भी लगा सकते हो और छोटा चक्का वो रखा हुआ है। चक्के के ऊपर कोई बहुत बड़ा आपको साइंस नहीं पढ़ना है, वो आप समझ जाओगे जब आप जाओगे तो आपको छोटा बड़ा देखकर समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ आपको चक्के के जो घड़ासा बांधने के जो नट बोल्ट आता है वो मिलेगा और जो डोंग और जो चाबी आती है जो यहाँ पे लगती है ये आपको 12 मिलेगा और ये आपको 6 पीस मिलेगा क्योंकि इसमें 3 छेद इधर है, 3 छेद उधर है और इसमें 6 इधर है, 6 इधर है। तो 12 ये मिलेगा टोटल आपको, 6 ये घड़ासा बांधने वाला आपको नट बोल्ट मिलेगा। फिर उसके साथ आपको एक डंडा मिलेगा जिसको हम हत्था कहते हैं, जो यहाँ पर लगा कर जिससे आप इसको घुमाओगे। फिर उसके बाद आपको एक डोंगा मिला जाए, यहाँ डोंगा मिलेगा जो आपको अगर आप अलग से लेते हो तो लगभग 100-150 रुपये में अच्छे क्वालिटी में मिल जाता है। वैसे और भी हैवी भी लोगे तो आपके ऊपर है, लेकिन आपको 100-150 वाला ही डोंगा इसके साथ में दिया जाता है। अब अगर आप चारा मशीन का प्राइस कुछ ज़्यादा ही कम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बारगेन आप कर रहे हो, तो आपको जो डोंगा है और जो इसके कुछ गड़ासा वगैरह है वो आपको लो क्वालिटी का देगा। क्योंकि यार देखो कोई भी जो कोई भी शॉप ऑनर होगा तो अपना नुकसान नहीं करेगा क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ना कि नुकसान के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसके साथ आपको वार्सल दिया जाता है और एक हमारा कुप्पी दिया जाता है जिसमें आप तेल भरते हो। बस इतना टोटल सामान आपको और साथ में चक्का वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पैक इसके साथ 6,800 रुपये में मिल जाएगी। मैंने सोचा कि इसी के साथ इसी वीडियो में आपको बता दिया जाए कि अगर आपको इसका गोविंद का कोई भी पार्ट टूटता है, जैसे कि ये दीवार टूट जाता है
ये ककनी और चाल वगैरह या फिर ठिया वगैरह टूट जाता है तो आपको इसके अलग से पार्ट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं मिलते, जैसे कि अगर ये टूट गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मिलना, जैसे और ये टूट गया तो मुश्किल हो जाता है, और अगर ये बेरन अगर आपका तिरछा हो गया या टूट गया तो फिर ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोबारा नहीं मिलती हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट आप कर सकते हो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगली वीडियो कल आ रही है चारा मशीन के ऊपर ही रहेगी। लगभग 5-6 वीडियो मैंने तैयार करके रखा हुआ है चारा मशीन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, तो इंटरेस्टेड हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियोस आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।